मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग से ग्रसित दो लोग अपना इलाज करवाने के लिए रेहन के 76 गांव के एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम पहुंचे। अपना इलाज करवाने पहुंचे लोगों का कहना है कि एंजल दिव्यांग आश्रम में इलाज करवाकर वे काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। जिला कांगड़ा के रेहन के 76 गांव में एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम में दिव्यांग बच्चों की सहायता की जा रही है। वहीं इस आश्रम में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग से ग्रसित व्यक्तियों का भी उपचार किया जा रहा है। इस आश्रम में पालमपुर के रहने वाले दो लोग अपना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज करवाने पहुंचे। निखिल चौधरी ने बताया कि उन्हें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या है और एंजल दिव्यांग आश्रम में वे पहली बार आए हैं। उन्होंने बताया कि एंजल दिव्यांग आश्रम की संस्थापिका अलका शर्मा के बारे में काफी सुना था और पहली बार यहां आकर खुद देखा कि यहां पर हर एक बच्चे की किस तरह से देखभाल की जाती है। बच्चों को फिजियोथेरेपी करवाई जाती है और बच्चों के कायाकल्प के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आश्रम में आए हुए उन्हें 7 दिन हो गए हैं। पहले उनकी बाजुओं और टांगों में काफी ज्यादा जकड़न रहती थी। सुबह से लेकर शाम तक की फिजियोथेरेपी ने जकड़न को कम कर दिया है और उनका वजन भी कम हुआ है। वहीं विजय धीमान ने बताया कि उन्हें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या है। एंजल दिव्यांग आश्रम में वे अपना इलाज करवाने आए हैं। यहाँ पर इलाज करवाकर वे काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तहसील धीरा से बिलोंग करता हूँ। मेरे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और मैं एंजल दिव्यांग आश्रम में अपना इलाज करवाने आया हूँ और यहाँ पे इलाज करवा कर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं इस आश्रम के जो दंपत्ति हैं उनसे फेसबुक के माध्यम से जुड़ा था और आज पहली बार मैं इस आश्रम में अपना इलाज करवाने आया हूँ। और जिनको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो वे यहाँ पर आके अपना इलाज करवा सकते हैं और जो भी कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो वो भी आश्रम दिव्यांग आश्रम में आकर हेल्प कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निखिल चौधरी है। मैं पालमपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक JBT टीचर हूँ। मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है और मैं यहाँ रहन में एंजल दिव्यांग आश्रम में फर्स्ट टाइम आई हुई हूँ। मैंने अलका जी के बारे में बहुत बार सुना था लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके मैंने खुद एनालाइज़ किया कि यहाँ हर एक बच्चे की कितनी केयर करी जाती है, उनको फिजियोथेरेपी करवाई जाती है और बाकी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। मतलब सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक हर एक बच्चे को बिज़ी रखा जाता है। मुझे भी वैसे ही बिज़ी रखा जाता है और यहाँ आए मुझे 7 दिन हो गए हैं। मैंने देखा पहले मेरी बाजुओं में और मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस थी। सुबह से लेकर शाम तक की फिजियोथेरेपी ने मेरी स्टिफनेस वो कम कर दी है और मेरा थोड़ा वेट भी लूज़ हुआ है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के स्टाफ, यहाँ के केयर टेकर्स बहुत अच्छे हैं, जो मतलब हर एक बच्चे को इतने अच्छे से हैंडल करते हैं। यहाँ मैं अकेली आई हुई हूँ और मुझे महसूस भी नहीं हो रहा है कि मैं बिल्कुल अकेले हूँ यहाँ पे। ये मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा दे रहे हैं, जो एक बच्चे मतलब डिसेबल्ड बच्चे के लिए बहुत बेनिफिट होता है। हम 2 साल से काम कर रहे हैं और बड़ा ही अच्छा फील होता है। जी NGO अलका शर्मा और नीरज शर्मा जी ने दिव्यांग बच्चों के लिए खोला है और हिमाचल और हिमाचल से बाहर दिव्यांग बच्चे जहाँ पे आते हैं उनका फ्री कॉस्ट लाज किया जाता है और फ्री खाना, जो भी उनका खाने पीने का पूरा दिन में होता है वो फ्री होता है और बड़ा ही अच्छा फील होता है। एक दिन भी बच्चे नहीं आते तो हमें मतलब कि बच्चों से इतनी प्यार हो गया है कि हमें एक दिन भी उनके ना आने से बड़ा मतलब कि उनकी कमी महसूस होती है। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।